हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी पावर को करना चाहते हैं बूस्ट, तो ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए ना तो हमें किसी प्रकार की चीनी की ऐड करने की जरूरत है और ना ही कोई भी मिठास के लिए कोई इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले लेने होंगे हमें खजूर, जो लड्डुओं की मिठास को रखेंगे बरकरार। और इनके निकाल लिए हमने बीज अंदर से, सारे खजूर के बीज निकाल लिए। अब इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। अब ले लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें ले लेंगे हम थोड़ा सा घी। जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे मखाने। सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। अब 2 मिनट तक हम इन मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर से हम कढ़ाई ले लेंगे। इसे हमें थोड़ा सा घी ले लेना है और ये मखानों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फिर से हमें थोड़ा सा घी ले लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, हमें ज़्यादा बारीक कटे हुए बादाम नहीं लेने हैं। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम काजू, वो भी बारीक कटे हुए सेम क्वांटिटी में। आप इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जो ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है आप वो डाल सकते हैं। फिर डाल देंगे हम बारीक कटी हुई अंजीर, इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, हम दूसरे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जैसे यहाँ डाल देंगे थोड़े से कद्दू के बीज, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से हम डाल देंगे खरबूजे के बीज और थोड़े से डाल देंगे हम तिल। हमने यहाँ पे वाइट वाली तिल यूज़ की है। और थोड़े से ही डाल देंगे हम सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीज। अब हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे किशमिश। और 2 मिनट इसे भी अच्छे से भुनने देंगे। दो मिनट भुनने के बाद इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए अच्छे से ये भून चुके हैं, अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब फिर से ले लेना हमें थोड़ा सा घी और जो खजूर है उसे हमें ग्राइंड कर लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब ये पीसे हुए खजूर को हम डाल देंगे। इसे भी हमने दरदरा ही ग्राइंड किया था। अब 2 मिनट इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे वो इसमें हम मिला देंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला लिए हैं। 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाना है ताकि सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से मिल जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मखाना जिसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई शुगर ऐड नहीं करनी है। हमें इसकी खजूर की मिठास के साथ ही ये लड्डू बनाने हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब तक चम्मच चलानी है जब तक ये सब अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देखिए ये सब अच्छे से मिल चुके हैं। 2 मिनट बस चलाने के बाद हम इसे साइड में रख लेंगे।
अभी अच्छे से मिल चुका है, तो इसे अब एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और हाथों की हेल्प से दबाते हुए हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। हमें ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना है, हल्के गर्म गर्म में ही इसके लड्डू बना लेने हैं। कुछ इस तरीके से हम उसके लड्डू बना लेंगे। इसके लड्डू इजीली बन जाते हैं, इन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो लीजिए, हमारे सुपर हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बिना किसी चीनी के। इन लड्डुओं को खाना सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये लड्डू आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से दूर रखते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।